लेट होने का ज्यादा ही मन करता है आपका है? लेट होने का फाइन लगेगा, आज आप ही सारा प्रोडक्ट ही खरीदोगे। डिक्की खोलो, देखो पैक एकदम। यहाँ पे आपका सब फिशिंग का सामान, ड्रोन, कैमरा, एवरीथिंग। चलो जी पाए खरीद। सो वी आर रेडी। दूध पीते हुए हमारे मुरली भाई। और सर मैं कैसे लग रहा हूँ? कुछ अलग से भी आज है। दाढ़ी बनाई ना आज? दाढ़ी बनाया और मूछ भी हटा दिए, पूरा हटा दिया एकदम। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग? सो फाइनली 2-3 घंटे के वेट के बाद, क्योंकि मुरली भाई रात बहुत एक मीटिंग में थे, बहुत इमरजेंसी, तो अब आए हैं। अब हम जा रहे हैं दाचे के लिए। बहुत लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी निकल लो झड़ पे। ये अपना अरे प्रणव, अरे ब्रो, यो यो। सो हम लोग निकल रहे हैं अब। समर वाला एकदम फील आ रहा है, मस्त एकदम। अब बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी निकलें क्योंकि लेट हो गए हम। हमने सोचा था 12 बजे निकलने के, लेकिन ऑलमोस्ट 3 बज गए। पियो आराम से। सो मिलते हैं आप लोगों से दाचे पे। आज देखते हैं कितना अच्छा मौसम है और वहाँ पे क्या होने वाला है। सुबह 7 बज के शायद थोड़ा घास वास चुभ गई, वो रो रहा था, और अब प्लस मुझे रोने लगा देख के कि मैं शेप बना लिया है। तो हाँ, ड्रोन भी ट्राई करना है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बस सच में यार मैं गुस्सा हूँ मुरली भाई से लेट होने के। कैमरा बंद करता हूँ जरा, इनकी वो लेते हैं परेड, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो जी अभी है ब्रेक। मुरली भाई गए अभी वॉशरूम, प्रणव भी पीछे पीछे गया। वो शायद कुछ रेडबुल वगैरह कुछ एनर्जी ड्रिंक लेने गया कि चलो कुछ पी लेते हैं साथ में, बाकी तो शाम को दाचे पे कुछ खाएंगे पियेंगे। लेना और सात्विक तो वहीं है, मैंने आपको बताया वो कल ही चले गए थे। एक्चुअली सात्विक को प्रॉमिस किया था कि कल मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज चलते हैं। आज भी हम लोग लेट हैं, जहाँ पे जाना तो हमें सुबह चाहिए था, बट अच्छा है क्योंकि कल छुट्टी है, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग आज चले जाते हैं। सो बहुत टाइम बाद क्लीन शेव भी कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो यही अपडेट थी, अभी वहाँ जाएंगे। इसके पापा से भी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाद, मे बी हाफ ईयर बाद। सर लास्ट टाइम दाचे पे मिले थे या उसके बाद बीच में कभी आए होंगे। तो इसकी मम्मी का भी एक सर्जरी हुई है, लेना की मम्मी की कुछ प्लास्टिक सर्जरी टाइप की हुई है। नाउ शी इज़ गुड, बहुत सही है अभी हेल्थ में भी। इसकी मौसी भी, लेना की मौसी वहीं है। स्वीतोस नहीं आई है मेरी साली, क्योंकि उसके घर में कुछ काम चल रहा है, उसके बाथरूम में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वो नहीं आई। मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग आएंगे, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट वीक, और ज़्यादा 28 डिग्री शायद टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपको दाचे का व्लॉग हमेशा पसंद है, जो नए आए हैं तो उनको बता देता हूँ, दाचा मीन्स होता है कंट्री हाउस, जिसके अंदर रशियन लोग वहाँ पर आपका करते हैं कि आपका वेजिटेबल्स और ये सब बनाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं और सब इसी चीज़ के लिए। तो दाचा इट्स कंट्री हाउस, फार्म हाउस। हम लोग वहाँ पे अपनी सब्जियाँ भी बनाते हैं, अपने लिए उगाते हैं, वो भी अपना काम आ जाती है अपने हिसाब से। प्लस वहाँ पे ग्रीनरी है, थोड़ा शांति है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो ये नए लोगों के लिए अपडेट थी, पुराने लोग बहुत अच्छे जानते हैं व्हाट इज़ दाचा। सो मिलते हैं आप लोग से दाचे पे शायद, या बीच में शॉपिंग करेंगे। तो चलाते हैं व्लॉग को, कैसे होता है देखते रहो। लाइक तो करवा देंगे ना? नहीं, लाइक फुल लाइक करवा देंगे, फुल लाइक करवा देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, रेड बुल भी पिला दो, रेड बुल खरीद चुके हैं भाई अपने, रेड बुल बेबी। तो जी हम अभी एंटर हो चुके हैं मोजाइस्क में, जिधर हमारा ये दाचा है जिस एरिया में, और मुरली भाई अपने मस्त एकदम लैंड क्रूजर प्राडा ये गाड़ी है जिसके अंदर इन्होंने स्पोर्ट्स मोड कर रखा है, फाय फाय जा रहे हैं, देख रहे एकदम ये ओ हो भाई सब भाई 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 भाई। सो भाई साहब आराम से, मेरी फट रही है। सो ये हम आज दूसरे रूट से जा रहे हैं, ये दाचेज हैं सब, दाचेज। अब हम मुझे इसमें सामने जो जी हम एंटर कर रहे हैं अपने दाचे पे, दाचे पे लेना आ गई है गेट खोलने के लिए। दवा करवा लें उस साथ के साथ आए के साथ, इसको आगे बोनट पे बिठा लो। गर्मी हो जाएगी। अच्छा ये एसेंट है भाई, पूरा क्लोज्ड है। सात्विक प्रभात, चुपाई दियो मशीन है सात्विक, ये दी सुधा आजा
सात्विक दवाई डरना मेरे से दाढ़ी से यहाँ से राइट आज प्रभात प्रभात मिलिट्री वाला लगता है लगा दो सर ये देख ले ना कि ट्रेनिंग ना दे दे हमको ये लैंड मेरा हाँ जी तो हम फाइनली आ चुके हैं दाचे पर। आज क्या हो रहा है कि प्रणव भी ब्लॉग कर रहा है क्योंकि इसका अपना खुद का चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने वाला हूँ मैं तो यहाँ मुरली भाई देखो अपना सेटअप लेके आए हैं। देख रहे हो मुरली भाई का अपना खुद का सेटअप है ये कुर्सी टेबल ये वाली कुर्सी ये सब कुछ इनका खुद का सेटअप है जो गाड़ी में रहता है हमेशा। बाकी देखो मुरली भाई कवर भी हैं छोड़ दिए इसको उठाएगा कौन ये पूरा सेटअप जो है ना ये मुरली भाई मेरे को गिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा तो तुम ऐसे इसे तुम लेके कहाँ जाओगे भाई बताना नहीं नहीं पूछ तो लो लेके कहाँ जाएगा उसे आपका गिफ्ट वापस दे रहा हूँ आप ठीक है तो जैसे तुम मुझे ड्रोन दे रहा है ऐसी अधीन पाकिट ये नो बल शो इतना निबल पता मुझसे मीशा दे देखो ये देखो कैसे शूट चल रहे हैं इनके इनके शूट देखो ब्लॉगर होने का नुकसान की तो कैरी करना हम लोग कर रहे हैं एंजॉय मैं आवाज कर दे कम पहले। हाँ जी ये लो जी नए ड्रोन की अनबॉक्सिंग सर एक बार एक ड्रोन का बॉक्स दिखाना DJI Mini 2 इसका नाम है फ्लाई मोर कॉम्बो बंडल फ्लाई ओ माई गॉड इसके अंदर क्या क्या चीज है ये आपका बच्चा इसका हम नाम रखेंगे कबूतर कबूतर जा 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 कबूतर जा ये कंट्रोलर इट्स अ कंट्रोलर एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली है ये है इसका कंट्रोल वाओ माइंड बहुत भारी है यार इसके ऊपर की वो भी होंगी ना टिकली इसका वो कहाँ है इसके अंदर सब आइटम्स होंगे अभी दिखाते हैं आपके अंदर क्या क्या है ये व्लॉगिंग सेटअप हटाते हैं इसके प्रोपेलर्स हैं हाँ इसका एक्स्ट्रा दिए हुए ना इसमें तो लगे हुए ना पहले से ही तो जी चल रहा है प्रोसेस ड्रोन की उड़ाई के लिए ये हमारा कबूतर अभी उड़ेगा ऊपर दस हाथ दा प्रणव दस हाथ थोड़ा नीचे कर उसको पकड़ बंद कर दिया मैंने इसको ऊपर करा अभी रुको, रुको रुको स्लो स्पीड करने दो बहुत फास्ट हाँ भयंकर स्पोर्ट्स मोड पे था वो दवाई मुरली भाई का दे दो ना कैमरा नहीं 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 मैं अपने आप करूंगा पवराज शश शश भाई उसको पलटना है चिकन को उसके पास ताकत नहीं है चल ना भाई अब की बार उड़ा देंगे से और उसको धीरे से लाइयो फिर नाउ हम फ्लाई करने वाले हैं ड्रोन सेफ्टी चेक कंटिन्यू उड़ गया उड़ गए सारे नजारे क्या ओ वाव कैमरा नीचे कैमरा कैमरा नीचे कर कैमरे से नीचे देख नीचे कैसे आएगा सिखा रहा है ओके ओके वो सिखा रहा है गुड ओ देख लेना दिखी इसमें कैमरे में ऊपर ले जा लैंड लैंड करवाओ लैंड का बटन दबा दे वो लैंड का बटन दबा दे अपना आप हो जाएगा भाई ड्रोन उड़ाना भी पड़ेगा लैंड का बटन दबा दे इसको हम पकड़ के भी कर सकते हैं चल ठीक है अपना उतरेगा अपना उतरेगा भाई साहब ये देखो भाई पहले ड्रोन का तो अलग ही मजा है शाबाश है
ड्रोन जिंदाबाद भाई साहब, ड्रोन हो गया। दोबारा दोबारा अब से उड़ाओ। चार चार बूंद साथ एक दवाई तू से उड़ा ना, सिंपल छोड़। क्यों रास्ते में क्यों मैं पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं वो तो बस हम उसको चेक कर रहे हैं ना पूरा कैसे कैसे कर। बहुत खूब काम का मेरा पास। ओके अब इसका क्विक शॉट लेते हैं। एक काम करो ये भी से उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे। दवा साथ एक ऊपर लिख ले। अपना आप आ जाएगा अपनी लोकेशन पे। ये देखो सर, सर कह रहा हूँ ये देखो हमारा यहाँ पर ड्रोन का व्यू है हमारे दाचे का। ये हमारा दाचा है और ये हमारा दाचा का दाचे का। ओ कहाँ का ड्रोन, ओ बहुत ऊपर चला गया। 10 किलोमीटर की लिमिट है इसकी। 10 किलोमीटर हाँ। नहीं इतना ऊपर वो नहीं ये है दाचे की मस्ती, फुल्ली इंजॉय। पता प्रणव, प्रणव जैसा राइट नाउ अभी क्या है मॉस्को में 13 जून से 20 जून तक का एक लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे केसेस थोड़े बढ़ रहे थे। पहले 8000 समथिंग डेली होता था, बस राइट नाउ 10000 12000, अब राइट नाउ 13000। सो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया कुछ महीनों के लिए, महीने नहीं कुछ डेज के लिए, उसके बाद शायद महीना भी कर सकते, आई डोंट नो, जिसमें हमारे बिजनेस को फर्क पड़ा। आई नो बट लेकिन थोड़ा सा बिजनेस में भी फर्क पड़ा है। लेकिन जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था तब तो कितने केसेस होते थे 25000 30000 डेली के, बट जब हम दाचे पे होते हैं ना फ्रेश एयर, कोई टेंशन नहीं, लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लॉकडाउन है या फिर कोरोना वायरस है, शांति पीस, यही नहीं पता था कि कोरोना वायरस है, है ना। तो ये इसलिए अच्छा लगता है यहाँ पे। देखो कितना मस्ती कर रहा है, सात्विक इंजॉय कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, मास्क नहीं लगाना, सामान एक बार मिल जाए भयंकर महीनों तक चलाओ, अपनी सब्जियाँ उगलाओ, उगाओ, खाओ। वो सनसेट देखो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, देख रहा है। तो अभी वैसे हम लोग लेने जा रहे हैं एक बिरूजा करके पेड़ होता है, उस पेड़ के पत्ते, वैसे जो बिरूजा है उस पेड़ के अंदर ना वाटर भी निकलता है, उसका पानी होता है, वो पीते भी हैं लोग। लेकिन ये जो है ये एक तरह से एंटीसेप्टिक है, जब हम बानिया में जाएंगे सौना बाथ में तो हम उस पत्ते को अपनी बॉडी पे मारेंगे। मैं मारूंगा इसको क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जाएगा, ये मेरे को मारेगा आपको। हाँ अच्छा, एक्चुअली एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि जब आप बहुत गर्मी उसमें बैठे हो। हाँ आए थे वो, दवाई तोड़ो, इसमें तो कांटे भी हैं, दवाई इसमें कांटे नहीं है क्या? नहीं कांटे नहीं होते हैं, जब ये उसमें होगा ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, और ये मारने हाँ सोना बाद के अंदर होगा 80 डिग्री टेम्परेचर, जिसके अंदर आप इतनी हीट में बैठेंगे और ये आपको लगाएगा। ये सारे तोड़ लो, इसके ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये तोड़ लो। अच्छा तो हम क्या कांटे मारेंगे क्या उन्हें? देख रही हमारी बीवी कितनी क्रूअल है। हाँ जी गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? काम चल रहा है सुबह सुबह। मजा आया कल सोना बाथ में? अरे सो अभी हम लोग उठ चुके हैं ना, टाइम तो रहा 9 बज रहे हैं। उठा था मैं 8 बजे, पहले सुबह 5 बजे उठा मैं, और अभी बज रहे हैं 9। ग्रीन टी पी रहे हैं अभी। अपने ससुर जी को मुझे हेल्प करानी थी, मैंने कराई भी बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उसके लिए चाहिए 4-5 लोग एक साथ, 4-5 जैक, क्योंकि इनका जो पीछे गैराज है उसको हमें ऊपर उठाना है, वो हो नहीं पाया, उसके लिए शायद अगली बार ही देखेंगे। और 2-3 लोग चाहिए हो या फिर कोई स्पेशलिस्ट ही बुलाएंगे, बाल थोड़े से फैल रखे हैं। ये लेना की मौसी ने मुझे दिया है, इसका लड़का उसमें काम करता था एडिडास में, तो वहाँ से लेके आया होगा नया एकदम, तो वहाँ से उठा लाया वो, और साइज़ मेरा परफेक्ट है, कल उन्होंने दिया था, मैंने कहा सही लग रहा बेटे ये, तो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ anyway। और दूसरी चीज़, कल रात जितना भी हमने सोना बात में मस्ती करी है भाई,
देखो कुछ चीज़ें उस दी हैं जो हमेशा व्लॉग नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमने क्लिप्स बनाई थी इंस्टाग्राम पे, जो हमने इंस्टाग्राम पे डाली। तो वो जो इंस्टाग्राम है वो मेरा इंडियन लाइफ एंड स्टाइल नीचे है, प्लस इसका प्रणव का आई एम प्रणव आर्य, वो भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक करो। आप प्रणव के यूट्यूब को भी सपोर्ट करो, उसका नया चैनल बन चुका है डिजिटल नोमेड प्रणव, ठीक है। इसका मतलब यही है कि भाई ये इसको कंपनी ने बोला है कि तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है राइट नाउ, वो काम कर रहा है। कल मस्ती करते हैं लेकिन सुबह को अपना काम पे लग गया है, क्योंकि रशियन टाइम 6:30 इसका जॉब शुरू हो जाता है 3 बजे तक दोपहर के ना, सो कर रहा है काम अभी। बाकी अभी हम बैठे हैं सोच रहे हैं क्या करें, मौसम बहुत प्यारा है, बस अभी मच्छर थे बट अब शायद मर गए वो मच्छर, अब नहीं काट रहे। सो आई थिंक कि जो भी व्लॉग था, मुझे नहीं पता कितना हमने इसमें बनाया वीडियो, लेकिन जितना था वो अभी तक के लिए बहुत है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, उसमें कुछ ड्रोन शॉट्स थे क्या, डाल रहे हैं इसमें ड्रोन शॉट्स? हाँ डाल रहे हैं, तो ड्रोन शॉट्स आप देख चुके हो इसका मतलब। मैंने पहले कन्फर्म कर लूँ, तो आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे तो वो भी बताना। और ये ड्रोन क्या कहते हैं प्रणव ने खरीद के मुझे गिफ्ट किया है। हंस के उसने घोषित कर दिया कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो कितना कमीना है। सो अपना मेरा इसका एक ही है यार, भाई है ना भाई, है ना, बोल दे सच। हाँ ऐसे देख भाई है यार, सच में वो अपना ही है। जब तक हम यहाँ पे उड़ा रहे हैं कहीं पे भी, तो सब हम जो वीडियोज़ है क्लिप्स हैं वो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो डाचे पे ही मेन हमने शुरुआत करी, कल ही इसको अनबॉक्स किया यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ ड्रोन तो मैंने दिखाया था अनबॉक्स अपने उसमें, तो यहाँ पे उड़ाने में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खुला खुला है, बहुत प्यारा लगा, मज़ा आ गया सच में। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दस्तिदानिया दस्तिदानिया बोलो दस्तिदानिया सात्विक, आवाज़ आ गई सात्विक की, चलो।